नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। शिवानी एस्ट्रो चैनल में मैं राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है, उसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताए थे कुछ अद्भुत नियम ज्योतिष के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको देखना कुंडली में बहुत अच्छा रहता है। अगर उनको कुंडली में देखा जाए तो कुंडली की सार्थकता बढ़ जाती है और बहुत ऐसी प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं जो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड होती है। तो पिछले वाले वीडियो में पार्ट वन में मैंने आपको बताया था अमशा के बारे में कि सूर्य, चंद्र या कोई भी ग्रह अगर किसी अच्छे अमशा में है, कुंडली के लग्न के हिसाब से योग कारक भी है, और किसी अच्छे अमशा में बैठा हुआ है, इंद्र में, कुबेर में या मोहना में, तो उसके रिजल्ट ट्रिपल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं और जातक जो है बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। तो अमशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रह का, उसके रिजल्ट को, उसका बला बल देखने के लिए। दूसरे, अब मैं आपको कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला नियम है डायरेक्शन स्ट्रेंथ का, दिक्बल का उसे बोलते हैं। इसमें ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि सूर्य और मंगल हमेशा दसवें भाव के अंदर स्ट्रांग होते हैं। अगर सूर्य और मंगल किसी कुंडली में लग्न कुंडली के हिसाब से योग कारक हों और वो दसवें भाव में बैठे हों तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं या प्रत्याशित रिजल्ट देते हैं। गुरु और बुध लग्न में हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। लग्न और बुध की, गुरु और बुध की लग्न के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार चंद्र और शुक्र, इनकी स्ट्रेंथ फोर्थ हाउस में जाती है। तो चंद्रमा शुक्र चौथे हाउस के अंदर बैठे हों तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। शनि सेवंथ हाउस में, ये सेवंथ हाउस है, शनि अगर सेवंथ हाउस में हो तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो जाती है। अब इसके बारे में ये आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे सूर्य, सूर्य दसवें भाव में, सूर्य अगर यहाँ बैठा हुआ तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। सूर्य त्रिकोण का मालिक है, एक तो वैसी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है सूर्य की, दूसरा दसवें भाव में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया तो त्रिकोण और केंद्र संबंधी हो गया, और थर्ड चीज सूर्य को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिग्बल मिलता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। यानी सूर्य इसके अंदर बेतहाशा अप्रत्याशित वृद्धि करेगा आपके धन धान्य में और आपके नाम में। तो ये था कुछ ऐसे नियम जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के ऊपर आते हैं। अब मैं आपको कुछ और नियम बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे रूल नंबर 1, कभी भी कुंडली आप देखना स्टार्ट करें तो इन रूल्स को जरूर एक बार देखें कुंडली के अंदर लगाना। अगर किसी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अगर भाव के कारक के साथ बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं जानकर देता हूं, ये थर्ड है हाउस है हमारा, थर्ड हाउस का स्वामी कौन हुआ? थर्ड हाउस का स्वामी हुआ बुध, यानी बुध, मान लिया बुध यहां बैठा है, ये थर्ड हाउस का स्वामी हो गया बुध। और थर्ड हाउस का कारक कौन है? कारक है मंगल। हम जानते हैं इसका कारक पहले हाउस का सूर्य है, दूसरे का गुरु है, तीसरे का मंगल है, चौथे का चंद्र है, ऐसे हमारे सारे 12 भाव के कारक बने हुए हैं। तो तीसरे भाव का कारक है मंगल, तो मंगल यहां बैठ जाते हैं। तो देखिए कि तीसरे भाव का स्वामी भी और तीसरे भाव का कारक भी दोनों साथ बैठ जाए, अगर साथ बैठ जाए तो इस भाव की बहुत वृद्धि होती है, इस भाव के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, बहुत से रिजल्ट। तो ये था नियम नंबर 1 कि कारक और स्वामी दोनों साथ बैठे, कारक प्लस स्वामी अगर दोनों साथ हो तो उस भाव के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। रूल नंबर 2 ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। कारको भाव नाशाय एक श्लोक है, उसको बोलते हैं कि कारक जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव के कारक जिस भाव में बैठते हैं उसके रिजल्ट में कमी ला देते हैं। कैसे? जैसे मान लिया तीसरा भाव ही है या पहला भाव है या दूसरा है, या सपोज कीजिए हम छठा भाव लेते हैं, छठे भाव का कारक है मंगल। अगर मंगल यहां बैठ गया, मंगल आपके यहां आ जाता है, तो अगर अकेला है मंगल तो इस भाव के रिजल्ट्स को कम कर देता है। इसमें मतलब यहां रोग ऋण वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी भाव का कारक अगर अकेला किसी भाव में बैठा हो, उसी भाव में बैठा हो, तो उसके रिजल्ट को वो डाउन कर देता है। तो ये था नियम 2 कि भाव का कारक, कारको कारक अगर सेम भाव में हो, अपने भाव में ही हो, तो रिजल्ट्स थोड़े प्लस से रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर कि जिस भी भाव का कारक लग्न से 12वें भाव में हो, यानी
जिस भी भाव का कारक, सपोज कीजिए कि चंद्रमा, ये भाव चौथा भाव लेते हैं हम लोग, फोर्थ हाउस, इसका कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अगर लग्न से 12वें भाव में हो, यानी 12th हाउस में हो, अगर चंद्रमा 12th हाउस में बैठ जाता है, यहां पर चंद्रमा बैठ जाता है, तो इस हाउस की वृद्धि होती है चौथे भाव की। यानी किसी भाव का कारक अगर लग्न से 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव की वृद्धि होती है। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर रूल नंबर 4 मैं आपको बताना चाहूंगा। रूल नंबर 4 है कि केंद्र के स्वामी होके अगर कोई ग्रह केंद्र में ही बैठ जाए, वो पाप ग्रह हो, कोई पाप ग्रह, सपोज कीजिए यहाँ पर मंगल है और मंगल केंद्र का स्वामी है और मंगल केंद्र के अंदर ही बैठ जाए, पाप ग्रह है मंगल, तो हमेशा शुभ जड़ देगा। तो केंद्र के स्वामी अगर केंद्र में ही बैठ जाए तो शुभ जड़ देते हैं, पाप ग्रह तो अच्छे जड़ देते हैं। ये रूल फोर होगा, केंद्र के स्वामी पाप ग्रह जो होते हैं, केंद्र स्वामी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पापी ग्रह, तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अगर केंद्र में ही बैठ जाते हैं। तो ये हुए रूल नंबर 4। अब मैं आपको इससे आगे रूल्स बताता हूँ, ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको कुंडली के अंदर जरूर देख लेना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। रूल नंबर फाइव हमारा है कि शुक्र ग्रह हमेशा 6ठे और 12वें हाउस में पॉजिटिव होता है, 6th में एंड 12th में, 12th हाउस में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। शुक्र यहां बैठे 12वें हाउस में या 6ठे हाउस में बैठे, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये बात आप एक ध्यान रखिए। रूल नंबर 6, शनि 8वें भाव में 8th हाउस में ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, शनि यहां 8th हाउस में ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए ये कोई ऐसे नियम नहीं है जो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये नियम सारे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे शास्त्र ग्रंथ में लिखे हुए हैं, जिसका नाम है भावार्थ रत्नाकर, उसके अंदर ये नियम बताए गए हैं और क्लासिकल है, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, तो उसमें ये सारे नियम बताए गए हैं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से शनि अगर 8वें भाव में हो तो वो हमेशा अच्छा होता है। दूसरा कि जो ग्रह इसकी दो राशियां हो, जैसे यहां पे देखिए हम लेते हैं शुक्र को, लेते हैं शुक्र की पहली राशि है ये, दूसरी राशि है तुला, ये वृष और ये तुला। तो इसमें ये नियम ये बोलता है कि अगर किसी ग्रह की दो राशि हो तो जो उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है उसके फल ज्यादा मिलेंगे, यानी शुक्र 7वें भाव के फल ज्यादा देगा सेकंड भाव के मुकाबले, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यहां पर बैठी है। तो जहां मूल त्रिकोण राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि जिसमें हो, वो बात ध्यान रखिए कि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन से भाव में है, तो उस ग्रह से उस भाव के रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपका मूल त्रिकोण राशि का हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होती है, देखिए धन का एक नियम और है, रूल नंबर 7, धन पुत्र और गुरु, धन पुत्र और आपका जो स्वामी है और शरीर, इसका कारक कौन होता है? धन का कारक गुरु, पुत्र का कारक गुरु, शरीर का कारक गुरु, इन तीनों के कारक गुरु होते हैं। अगर ये गुरु लग्नेश से रिलेटेड विद लग्नेश संबंध बना लें, अगर लग्नेश से संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे वो एक दूसरे की राशि में बैठे हों, चाहे साथ बैठे हों, अगर संबंध बना लेते हैं, धन पुत्र और शरीर का कारक गुरु अगर लग्ने से रिजल्ट बनाता है, तो ऐसा जाकर ऐसा नेटिव हमेशा दीर्घायु होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये आप बस कभी भी जब कुंडली देखने बैठे तो एक बार इनको नजर डाल लीजिए। आशा करता हूँ आपने लिख भी लिए होंगे और आपको समझ में आ गए, कहीं कोई किसी चीज़ में समझ नहीं, कहीं कोई दिक्कत रह गई हो किसी नियम के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।